गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ माता रानी के दुआ से आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों और बताएं आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूँ पालक का भजिया। तो प्लीज़ आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहे और प्लीज़ आप लोग ना पूरे वॉच के साथ देखिएगा, तब आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा थोड़ा मुझे भी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, बने रहे आप लोग हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने किचन में पहुँच चुका हूँ। तो इधर दही चटनी का रेडी हो रहा है, दही चटनी का, और इधर इसका भजिया का भी रेडी हो गया है। इधर मिक्स मुक्स हो गया है, तेल भी है। तो दोस्तों अभी कुछ ही देर में आप लोगों को वो भी नज़र आ रहा है कि भजिया बन गई। दोस्तों मैं भजिया छोड़ने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी पाले के भजिया। दोस्तों हमारे चटनी भी रेडी हो गया, ऑनली खाली इसमें दही डालना है और दही या थोड़ा चीनी डालेंगे। और भजिया भी रेडी हो गया है, इसको तो दो मिनट और पकाएंगे, उसके बाद मैं निकालूंगा तो काउंटर पर जाएगी। तो दोस्तों आज बहुत अच्छा भजिया है क्योंकि इसमें ना सूप डाला हूँ, जीरा डाला हूँ और अखा मेथी और अजवाइन सब डाला हूँ। तो दोस्तों लास्ट झलक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हमारी भजिया हो गई है, तो भजिया भी निकालने जा रहा हूँ मैं। और ये भी हो गया। तो दोस्तों फाइनली मेरा नाश्ता हो गया, आप लोग को मैं सोचा कर रहा हूँ। तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताएगा कि आप लोग का पालक का भजिया कैसा लगता है। और तो दोस्तों मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोग को पूरा प्रोसेसिंग दिखाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। और उम्मीद करता हूँ माता रानी के दौर से आप लोग कहीं भी रहें तो आप लोग ठीक ठाक रहें। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग से इतना ही विदा लेता हूँ। अब तक के लिए आप लोग देखिए हमारे कन्वाइन करके। तो ठीक है। और हाँ दोस्तों, इसमें है ना कड़ी पत्ता बने दोस्तों, एक झलक और देख ला देता हूँ आप लोगों को। ऐसे छोटा हो गया है, ऐसे छोड़ा जाता है। दोस्तों आप लोग को एक झलक दिखला दी हमें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय मिथिला, जय हिंद, जय अयोध्या।